क्या पढ़े थे लास्ट क्लास, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चन किए थे, है ना। डिटरमिनेंट्स क्या होता है देखा था पहले क्लास में, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज देखे और उसके बाद उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। आज के क्लास में हम बात करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट। छोटे क्लासेस में अगर आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोला जाता था, अगर मान लो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल गिवन है और मान लो इसका कोऑर्डिनेट ये ए बी और ये सी हुआ, इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वन कॉमा वाई वन, इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स टू कॉमा वाई टू और इसका कोऑर्डिनेट मान लो एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, ये होता था। तो एरिया हम कैसे निकालते थे याद है, हाफ इंटू एरिया इज इक्वल टू कितना होता था 1/2 into। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है और बोला है उसका कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, हम इस फॉर्म में उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब लेकिन मुझे इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होता है, तो मैं क्या करूंगा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसको देखते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, डिटर्मिनेंट फॉर्म वो क्या है, डिटर्मिनेंट या एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, ये उसका डिटरमिनेंट हो गया। मान लो आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, तो अगर आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं 1/2 into x1 x2 x3 y1 y2 y3 1+1+1 sorry 1 1 1। ठीक है, बस यहां पे सारा वैल्यूज डाल दो और निकाल लो और कुछ नहीं बस। अब यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में याद रखने, अब हमें पता है जब भी हम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है मुझे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, तो ये डिटरमिनेंट एक रियल नंबर हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, है ना। लेकिन क्या एरिया का भी नेगेटिव होता है, नहीं होता। तो अगर आपको यहाँ पे एरिया जब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो और आपको एक नेगेटिव वैल्यू अगर मिलता है तो देन आपको उसको क्या लेना है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो पहला पॉइंट, ऑलवेज टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिटरमिनेंट एज एरिया कांट बी नेगेटिव, एज बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम क्या लेंगे एरिया को हमेशा इसका मैग्नीट्यूड लेंगे डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, थोड़ी भरोसा है, कोऑर्डिनेट आपको हमेशा 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में मिलेगा, कुछ भरोसा है, माइनस नेगेटिव नंबर में मिल सकता है, फ्रैक्शन में मिल सकता है। जैसे कि मान लो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊ तो मैं अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखूं मान लो ए 1, -9 और इसका मान लो बी लिखा -9, 1 और इसका सी लिखा -10, -1 मान लो मैंने लिखा, तो ये कोऑर्डिनेट्स भी तो पॉसिबल हो सकते हैं जहां पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, वैसे रैंडमली दे दिया। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2 और x3, y3 के जगह पे आपको नेगेटिव नंबर भी मिल सकते हैं। तो जब भी नेगेटिव नंबर मिले ऐसा मत सोचना कि हाँ ये एरिया तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है तो मैं बस उसका पॉजिटिव वैल्यू ले लूं, ऐसा मत करना। जो नंबर यहां पे गिवन है चाहे वो माइनस में गिवन हो या प्लस में गिवन हो, फ्रैक्शन में गिवन हो या डेसिमल में गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, जैसा कोऑर्डिनेट गिवन है वैसा का वैसा पुट करना। ठीक है, तो थर्ड सेकेंड पॉइंट है, ऑलवेज यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज
इन डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी गिवन है उसको लेना है। अब देखो, अगर मान लो ये ट्रायंगल है और इस पॉइंट को, ए पॉइंट को मैं घसीटते हुए लेके आके इस पॉइंट पे रख दू, मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी और यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा ए और यहां पे एक आ जाएगा सी। अगर इस पॉइंट को मैं घसीट के लाके इधर रख दू तो मतलब तीन पॉइंट हो गए, यहां पे हो गया ये एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हो गया एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री और ये हो गया एक्स टू कॉमा वाई टू, हो गया तीन पॉइंट। अब ये तीनों पॉइंट देख रहे हो कोलिनियर है, तो अगर डिटरमिनेंट को यूज करके आपको अगर प्रूफ करना पड़ जाए कि प्रूफ थ्री पॉइंट्स आप कोलिनियर, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको जो ट्राइंगल का एरिया है, अब यहां में क्या है, कोई ट्राइंगल बचा है, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर आपको बोला है थ्री लाइन्स आर कोलिनियर, थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना है, आपको इस एरिया की जगह पे जीरो पुट कर देना, इज इक्वल टू जीरो। अब ऐसा कब पूछता है, प्रूफ करने के लिए पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है पूछ रहे प्रूफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ऐसा ही बोल देगा, मान ये कोऑर्डिनेट गिवन है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है, इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है, वाई का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, और बोलेगा कि थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, फाइंड दिस कोऑर्डिनेट, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस टाइम पे क्या काम करो, एरिया उसको जीरो पुट करो, ठीक है। तो क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो व्हेन थ्री पॉइंट्स आर क्या, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं। अब कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो कोलिनियर के बारे में बात किया, एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और भी दो तीन दो और एक टाइप का भी क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। पहले इतना लिख लो, फॉर्मूला दिमाग में रख लो, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इस टॉपिक में हमें क्वेश्चन कैसे मिल सकता है वो देखते हैं, ठीक है। मान लो आपको तीन वर्टिसेस दिए, तो पहला टाइप है वो तो नॉर्मल है कि आपको तीन वर्टिसेस दे दिया जाए, जैसे कि माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, थ्री कॉमा टू और माइनस वन कॉमा माइनस एट, ठीक है। मान लो ये तीन पॉइंट आपको दे दिए जाए और बोले कि ये तीन जो कोऑर्डिनेट्स है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल है, ठीक है। और बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, डायरेक्ट क्वेश्चन, बस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको मैं ले लेता हूं एक्स वन और इसको वाई वन, इसको एक्स टू इसको वाई टू, इसको एक्स थ्री इसको वाई थ्री। तो क्या हो जाएगा, माइनस टू थ्री माइनस वन, फिर माइनस थ्री टू माइनस एट, फिर वन वन वन, जो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, वन बाय टू। अब क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग कॉलम वन, कॉलम थ्री, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं यूजिंग कॉलम थ्री क्योंकि वन है तो मल्टीप्लाई करने में मुझे कुछ टेंशन नहीं हो, ठीक है। तो कॉलम थ्री से अगर एक्सपैंड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, वन इंटू, अच्छा साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस होगा, तो वन इंटू ये रो ये कॉलम वन, थ्री इंटू एट ट्वेंटी फोर, तो माइनस ट्वेंटी फोर, फिर माइनस टू, माइनस और माइनस टू मतलब प्लस टू, ये होगा, फिर माइनस वन इंटू ये वन और ये वन, सोलह तो सिक्सटीन, फिर थ्री तो माइनस थ्री, योगा, फिर प्लस वन इंटू ये वन और ये वन, माइनस फोर, माइनस ऑफ माइनस तो प्लस नहीं, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, वन बाय टू इंटू ये कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी टू माइनस थर्टीन, फिर प्लस फाइव, योगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वेंटी टू थर्टीन
35 30, so that will be equal to become 1 by 2 into minus 30 your अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू कितना माइनस 50। लेकिन हमें क्या पता है एरिया हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो एज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव देयरफॉर 15 आंसर हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर इज 15 स्क्वायर यूनिट। ओके आसान था, बस एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट दे कर लोगे। चलो इसमें और एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि मैंने बोला अभी कोलिनियर टाइप के, कोलिनियरिटी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन जो है ये वन मार्क का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोला है, सो दैट a plus a comma b plus c, b comma c plus a and c comma a plus b are collinear। ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका एरिया का वैल्यू जीरो लगाना होगा। वी नो दैट यहां पे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आंसर में, वी नो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज क्या जीरो। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। अगर इस चीज को मैं जीरो प्रूफ कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। अब इसको जीरो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे क्या करता हूं प्रॉपर्टी लगाता हूं, क्या प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, अगर कॉलम टू के साथ कॉलम टू प्लस, कॉलम टू की जगह पे कॉलम टू प्लस कॉलम वन कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/2 इंटू ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 1 1 1 ये मिलेगा। ये इसके साथ को ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके साथ को ए बी सी, ये भी इसके साथ को ए बी सी आ जाएगा। अब इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं कॉलम टू से ए प्लस बी प्लस सी, तो दैट विल बी इक्वल जितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और डिटर्मिनेंट में ए बी सी 1 1 1 1 1 1 ये मिल जाएगा। अब हमें पता है अगर विल नो दैट अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है जीरो होता है, तो देयरफॉर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देयरफॉर हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो निकल गया, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया प्रूफ हो गया जीरो। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे a कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। समझे कैसे करना है, तो प्रॉपर्टीज भी इसमें यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो इसे मिल सकता है ऐसा लिख लो हमारे क्वेश्चन करेंगे। तो कोलिनियरिटी में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या बोला है इफ 2-3 -1 एंड 0-4 आर कोलिनियर, अगर ये तीन पॉइंट कोलिनियर है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब हमें क्या पता है एंड यहां पर क्या बोल दिया गया है, यहां पर ये बोल दिया गया है कि ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है, तो अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा जीरो। देयरफॉर सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एज द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, given points are collinear therefore 1/2 into 2 lambda 0
माइनस थ्री माइनस वन फोर वन 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 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, होना चाहिए। चलो तो यहां से हमें क्या करना है, अभी लंबा का वैल्यू निकालना है। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूं फ्रॉम रो थ्री, रो थ्री में जीरो है तुम सारा आसान ही पड़ जाएगी, तो रो थ्री से मैं एक्सपेंड करता हूं तो दैट विल बी एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो थ्री। तो रो थ्री से एक्सपेंड करेंगे तो वन बाय टू इंटू कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो जीरो जीरो के लिए, फिर फोर प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन, तो माइनस फोर इंटू ये बंद और ये बंद टू माइनस लैम्डा, फिर प्लस वन इंटू ये बंद और ये बंद माइनस टू प्लस थ्री लैम्डा इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, वन बाय टू इंटू माइनस एट प्लस लैम्डा सॉरी प्लस फोर लैम्डा माइनस टू प्लस थ्री लैम्डा इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फोर प्लस थ्री सेवन, एट प्लस टू टेन, तो वन बाय टू इंटू माइनस टेन प्लस सेवन लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। अब वन बाय टू को उस तरफ लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, होगा ना। अच्छा टू को उस तरफ लेके जाएंगे तो जीरो इंटू टू जीरो, तो ये हट गया, तो दैट विल बी इक्वल टू सेवन लैम्डा इक्वल टू टेन, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन बाय सेवन, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, टेन बाय सेवन। आसान था। चलो ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए 1.3 एंड बी 0.0। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक लाइन है ये, जो कि ये वाला पॉइंट मान लो ए है 1.3 और ये मान लो बी है जो कि है 0.0 मान लो। ठीक है, अब बोला है इसका इक्वेशन निकालने के लिए। अब इक्वेशन निकालने के लिए मुझे, अब मैंने तो इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्लास 11 में जाना होगा, डिटरमिनेंट को कैसे यूज करें ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो या फिर बच्चे सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि 11 है, या फिर अगर थ्री डायमेंशनल पढ़ चुके होगे तब तो निकाल लोगे, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री तब तो निकाल लोगे, लेकिन अगर मुझे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में नहीं पता तो मैं कैसे निकालूंगा यूजिंग डिटरमिनेंट, या फिर ऐसे भी कुछ। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया यूजिंग डिटरमिनेंट स्पेसिफाई कर दिया, तो आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी यूज नहीं कर सकते तो कैसे करें। तो करने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, इस पॉइंट पे इस लाइन पे एक पॉइंट लाया करता है जो कि पी और जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मैं यहां पर क्या अज्यूम करता हूं सोल्यूशन में, लेट पी एक्स कॉमा वाई लाइज ऑन लाइन ए बी। ठीक है, अब अगर पी इस लाइन के ऊपर लाया कर रहा है तो मतलब ए पी बी आर कोलिनियर, एंड मैं क्या लिख सकता हूं ए कॉमा पी कॉमा बी आर क्या है, कोलिनियर होगा या नहीं होगा, और अगर कोलिनियर होगा तो क्या हो जाएगा इसका एरिया जीरो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 1/2 इंटू 1x0 या फिर ऐसे लिखो ठीक है 1x0 फिर 3y0 y 0 और 1 1 1, ये शुड बी दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसको अगर मैं रो थ्री से एक्सपेंड करो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो थ्री, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/2, ये वाला इसको लेंगे तो जीरो, इसको लेंगे तो जीरो, तो क्या बचेगा सिर्फ वन, तो ये वन और ये वन वाई माइनस थ्री एक्स और प्लस माइनस प्लस, तो y माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो ये होना चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा,
y माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो होगा या नहीं? तो y विल बी इक्वल टू कितना, 3x होगा या नहीं होगा? ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्मूला याद करो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, छोटे क्लास में पढ़े y इक्वल टू थ्री हो गया है x, और कोई कॉन्स्टेंट है नहीं तो नहीं है, मान लो जीरो कॉन्स्टेंट। आगे स्टेट लाइन इक्वेशन, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। दो पॉइंट दे दिया गया हो और बोला हो डिटरमिनेंट यूज करके उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। अब ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब इसमें और कुछ चीजें बची है। क्या बची है? पहला पार्ट तो खत्म हो गया, दूसरा पार्ट क्या बोला है, फाइंड के इफ डी के कॉमा जीरो इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मतलब यहां पर क्या बोला है, ये पी वाला के सेटअप या फिर हाँ पी वाला के सेटअप, मान लो रैंडमली कोई भी डी पॉइंट यहां पे है, ठीक है, कहीं पे भी, अब मैं इधर ले रहा हूं, आप इधर लो कहीं पे भी लो, ले सकते हो, डी पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, के कॉमा जीरो है, और बोला है कि इस के का वैल्यू निकालो, के का वैल्यू निकालो जब इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो 3 स्क्वायर यूनिट। तो हो गया बिट टू, बिट टू में कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 × 1k0 1k0 फिर 3 0 0 3 0 0 फिर 1 1 1 ये दिस वन शुड बी इक्वल टू कितना गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट, तो 3 पुट कर दो। अब एक्सपेंड करो, चाहे आप कॉलम 2 से करो या रो 3 से करो, तो रो 3 से हम करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो 1/2 × 1 × ये बंद 0 − 3k इक्वल टू कितना होना चाहिए 3, तो दैट विल बी कितना −3k विल बी इक्वल टू 6, तो k विल बी इक्वल टू कितना −2, तो हमें k का वैल्यू मिल गया −2। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एरिया के बेसिस पे मिल सकते हैं। समझ में आया, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम डिटरमिनेंट को यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे, पक्का ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का जरूर कर लेना, उसमें बहुत कम क्वेश्चन गिवन है, 5 से 6 क्वेश्चन गिवन है, 5 क्वेश्चन आराम से कर लेना तो एक प्रैक्टिस बन जाएगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा बुक है तो आरडी हो एस्ट्रांग हो कोई भी बुक है उसमें से ये टॉपिक ढूंढना और उस टॉपिक में जितने क्वेश्चंस गिवन है उसको कर डालना। जितने क्वेश्चंस आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फायदा होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट क्लास हम डिटरमिनेंट के नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। समझ में आया सारा चीजें, पक्का, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।